हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग एजल। आई एम हर्ष श्रुति। तो हमने पिछली क्लास में देखे थे कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अरिथमेटिक के फॉर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आई हैव ब्रॉट सम मोर क्वेश्चंस। आई होप आपने वो सब कंप्लीट कर लिए होंगे। उनके जो होमवर्क क्वेश्चंस थे वो हम आज वीडियो में लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो आज भी आप सेम कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करिए हर क्वेश्चन पे और फिर खुद से सॉल्व करिए। देन उसके बाद अपना आंसर चेक करिए और सॉल्यूशन ज़रूर देखिए, बिकॉज हो सकता है आपका मेथड डिफरेंट हो तो आपको कुछ सीखने को मिल सकता है न्यू। अगर आपका मेथड डिफरेंट हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। आपको इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप्स एंड PDF ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो हमने 20 क्वेश्चन तक कर लिया था, आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे आज हम। चलिए तो आप लोग पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं इसको, तब तक मैं सॉल्यूशन इसका डिस्कस करता हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 15 मंथ्स आज 7.5% आना। तो नेट इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जब 1 ईयर का 7.5 है तो 15 मंथ्स में कितना हो जाएगा, 15/12 कितना परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। दिस इंटरेस्ट एक्सीड्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम, तो सेम प्रिंसिपल है, तो 12.5% पर एनम है एंड दिस इज बीइंग पुट फॉर 8 मंथ्स। तो 8 मंथ्स के लिए है तो 8/12 हो जाएगा इतना परसेंट। दिस इज गिवन एज 3250। तो हमें बताना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100%, राइट। तो हमें पी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा परसेंटेजेस में ही डील कर लेते हैं। जब हमें इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक नेट परसेंटेज मिल जाएगी कि इतना परसेंट इज इक्वल टू 3250। तो यूनिटरी से हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 75/10 इंटू 50 इंटू 5/4 माइनस 125/10 इंटू 2/3, दिस होल परसेंट इज इक्वल टू 3250। चलिए नेक्स्ट, फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा 2, यहाँ भी 2 से कैंसिल कर लेते हैं 5 एंड 5 से कैंसिल हुआ 25। तो हमारे पास क्या आ गया, 75/8 माइनस 25/3। तो इसमें से मैं डायरेक्टली 25 कॉमन ले लेता हूँ, तो बचा गया 3/8 माइनस 1/3। तो हमने कॉमन लेके हमें अपनी कैलकुलेशंस इजी करनी है, तो 3250। तो 25 से हम डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे इसको, 1 3 0, राइट। तो 3/8 माइनस 1/3 कितना होगा, 1/24। तो 1% हमारा कितना आ गया, 24 इंटू 130। तो अब हमें 100% निकालना, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्लियरली लास्ट में 3 जीरोस तो आएंगे ही एंड उससे जस्ट बाद वाला नॉन जीरो डिजिट फर्स्ट कौन सा होगा, हम देख सकते हैं 4 इंटू 3 कितना होता है, 12। तो लास्ट में 2000 आना चाहिए, तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, हम ये डिजिट की मदद से फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आप पॉज करके सॉल्व करिए। चलिए तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड। तो या तो हम यहाँ पे वैल्यूज इजी हैं तो इसलिए हम डायरेक्टली वैल्यू से भी कर सकते हैं। तो दिस इज 30 लीटर टोटल में मिल्क एंड वाटर। हम एब्सोल्यूट में बात कर सकते हैं, 30 लीटर्स है 7:3 में, तो डायरेक्टली 21 एंड 9 लीटर्स हम लिख सकते हैं, राइट। फाइनल में अब हम देखें तो सिर्फ वाटर ऐड हो रहा है तो मिल्क सेम रहेगा, तो फाइनल में भी मिल्क तो 21 ही रहेगा।
नाउ इट इज गिवन दैट फाइनल में 40% इज वाटर, तो मिल्क बाकी का 60% इज मिल्क, तो वी कैन से 21 इज 60% ऑफ टोटल, राइट। तो वाटर इज 40%, हमें टोटल निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ वाटर चाहिए, तो हम इसे 40% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 60 से 40 कैसे आते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2/3। तो यहाँ भी अगर हम इन टू 2/3 करते हैं तो दिस विल बी 14। तो हमारा वाटर फाइनल में आ गया 14। दिस ऑल इज इन लीटर, हमने रेशियो को यूज़ ज़्यादा नहीं किया है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली दिख रहा है कितना वाटर ऐड हो रहा है, 5 लीटर्स, और आंसर इज 5 लीटर्स। आप रेशियो से भी कर सकते हैं, रेशियो से 7:3 एंड इनिशियल एंड फाइनल विल बी 3:2, बस 40% वाटर है। तो यहाँ पे आप फिर अगेन मिल्क को इक्वल करके आपको सेम वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो 4 men and 3 women, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम एफिशिएंसी एम एंड डब्ल्यू मान लें, तो 4m + 3w × 6, ये टोटल वर्क हो गया हमारा। एंड सेम वर्क ही हो रहा है तो सेम टोटल वर्क सेम ही होगा, 5m + 7w × 4। तो इससे हमें m रेशो w मिल सकता है इजीली इन दोनों को इक्वेट करके, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3:2 हम कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली, तो दिस इज 12m + 9w = 10m + 14w, राइट। तो 2m = 5w, और वी कैन से m/w = 5/2, राइट। तो अब हमें बताना है 1 man and 1 woman कितना टाइम लेंगे, तो मतलब m + w करना है। तो हम m को 5 यूनिट्स, w को 2 यूनिट्स मान के डायरेक्टली 7 लिख सकते हैं, 7 × t, दिस इज इक्वल टू, हम टोटल वर्क यहाँ से किसी एक से निकाल सकते हैं, यहाँ पे m को 5 पुट करके एंड w को 2 पुट करके, 4 5 20 + 6, 26 × 6, राइट। सो ये हमारा कितना आ गया, 36 156। तो हमारा टाइम कितना हो गया, नंबर ऑफ डेज कितना हो गया, 156/7, एंड दिस इज 22/7। नेक्स्ट फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो काफ़ी सिंपल ही था ये भी, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आप पॉज करके सॉल्व करिए, हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो एन आर्मी लॉस 10% इन वॉर, 10% ऑफ रिमेनिंग एंड 10% ऑफ रेस्ट। तो या तो आप डायरेक्टली एक इक्वेशन लिख सकते हैं या फिर आप एक ट्री सा बना सकते हैं। तो हम ट्री बना के एक बार ट्राई कर लेते हैं पहले। तो 100 हम इनिशियल मान लें अगर, तो 90 एंड 10, तो 10 ये वाले कौन से हो गए वॉर में, तो रिमेनिंग कितने हैं 90। अब इसका 10% ड्यूजीज में गया, राइट। तो इसका 10% विच इज 9, हम डायरेक्टली यही कर लेते हैं 10%, तो रिमेनिंग कितना हुआ 81। अब इस 81 का, बिकॉज 10% ऑफ द रेस्ट बोला है, इसका 10% दैट इज 8.1 वर डिसेबल्ड, राइट। तो रिमेनिंग कितना हुआ 72.9, राइट। तो ये सब हमारा यूनिट्स में चल रहा है। तो हमें गिवन है 72.9 की वैल्यू इज इक्वल टू 729000। तो 72.9 यूनिट्स इज इक्वल टू 729000। तो हमें बताना क्या है, ओरिजिनल स्ट्रेंथ। तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ मतलब हमें 100 की वैल्यू बतानी है, 100 यूनिट्स की। तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से 1 यूनिट कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 यूनिट हो गया 10,000। तो
100 यूनिट्स कितने हो जाएंगे? तो जीरोज अच्छे से काउंट करने हैं, चार ऑलरेडी हैं और दो और, तो टोटल 6 जीरो। तो ये हो जाएगी हमारी ओरिजिनल स्ट्रेंथ। जीरोज ढंग से काउंट करने हैं, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस हैं। चलिए आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 पॉज करके सॉल्व करिए आप। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली? तो जब कंपाउंडेड ईयरली है तब तो हमें पता है 4% रहेगा, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो कितना हो जाएगा नेट इंटरेस्ट? 2 + 2 + 2 × 2/100, तो दैट विल बी 4.04%। तो इनका हमें डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.04% ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 5000, तो क्लियर ये सिंपली कितना हो जाएगा 4/10 × 5। आप जीरोज और परसेंटेजेस को आराम से देख सकते हैं, तो क्लियरली ये कितना हो गया 2। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए ये, तो आई होप क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आराम से करिए, हर एक चीज़ को ढंग से पढ़िए एंड देन पॉज करके सॉल्व करिए। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जॉन और मैक्स की स्पीड्स हमें गिवन है। इनिशियली मैक्स इज़ एट एल, यहाँ पे मैक्स है, एंड जॉन इज़ एट एम, तो यहाँ पे जॉन। तो डिस्टेंस हमें गिवन है, टोटल डिस्टेंस एल और एम में 650 किलोमीटर है। यूनिट्स का भी ध्यान रखना है हमें। देन जॉन स्टार्टेड हिज जर्नी 3 आवर्स अर्लियर टू मैक्स। तो जॉन ने स्टार्ट करा, तो जब मैक्स ने चलना शुरू किया तब जॉन कितना चल चुका था? तो 3 आवर्स तक चल चुका था, मतलब ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुका था तब तक 3 आवर्स में। तो जॉन की स्पीड हमें गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर एंड ही वर्क फॉर 3 आवर्स, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कर लिया 90 किलोमीटर। मतलब अब जॉन यहाँ पहुँच चुका है, राइट। अब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना बचा? 90 तो वो कवर कर चुका है, तो डिस्टेंस कितना बचा 560, राइट। तो अब हमें, अब दोनों चल रहे हैं टूवर्ड्स ईच अदर, मैक्स एंड जॉन, एंड डिस्टेंस उन्हें 560 कवर करना है। तो रिलेटिव स्पीड हमें पता है ऐड होंगी, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 70। अब किलोमीटर पर आर में है, सो हमें यूनिट्स की ज़रूरत नहीं है कोई, तो हमें बताना है दे आर मीटिंग एट सम पॉइंट पी। मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट पी पे मिल रहे हैं, तो हमें पी और एम का डिस्टेंस बताना है, राइट। तो चलिए, तो अब हम देख लेते हैं, रिलेटिव स्पीड 70 है और डिस्टेंस 560 कवर करना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना टाइम लेंगे वो लोग मिलने के लिए? जब मैक्स ने चलना शुरू किया है तब से लेकर 8 घंटे, 8 आवर्स। अब यहाँ पे या तो आप पहले ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं पी से इसका, एंड देन ये 90 किलोमीटर ऐड कर लीजिए, या फिर हम यहाँ से मैक्स का निकाल लेते हैं डिस्टेंस एल और पी का, और 650 में से उसे माइनस कर देंगे। तो एल और पी का कितना होगा कि मैक्स की स्पीड, मैक्स ने 8 घंटे में कितना चला वही होगा, तभी वो 8 घंटे में पी पे पहुंचा। तो मैक्स की स्पीड हमें गिवन है 40, तो 40 × 8 दैट इज 320 किलोमीटर। तो एम से पी का डिस्टेंस कितना होगा 650 माइनस दिस इज 330 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक गलती होने का क्या चांस है काफ़ी, कि आप यही निकाल लेंगे कि जॉन ने 8 घंटे चला तो यही डिस्टेंस होगा, जॉन ने 240 चला, तो आप काफ़ी लोग 240 मार्क कर सकते हैं, तो वो गलती हमें नहीं करनी, हमें बताना है पी और एम में डिस्टेंस। हमें ये डिस्टेंस हम पहले निकाल चुके थे 90, हमने फिर यहाँ से कैलकुलेट करी थी रिलेटिव स्पीड। तो आई होप ये क्लियर होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग पॉज करके सॉल्व करिए। तो प्रॉफिट ऑफ 8% इज मेड बाय सेलिंग अ टी शर्ट आफ्टर ऑफरिंग 12%।
तो मार्क्ड प्राइस हमें गिवन है 1080, तो इस पे 12% डिस्काउंट, मतलब 1080 इंटू 88/100, ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना होगा कॉस्ट प्राइस का, तो 1080 इंटू 88/100 विल बी कॉस्ट प्राइस इंटू 108/100। आप रेशियो से भी कर सकते हैं इसको आराम से, और उसमें भी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत रहेगी ही। तो आई होप, क्योंकि 8% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 108/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस। बस आपको ये सॉल्व करना है, अब 100 कैंसिल, तो सीपी हमारा कितना आ गया 1080 इंटू 22, हमने 4 से कट किया है, बाई 27, तो ये डायरेक्टली जाता है 4 टाइम्स, तो सीपी हमारा कितना आ गया 880। तो आई होप क्लियर होगा, इजी था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पॉज करिए और सॉल्व करिए आप। तो न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय एक्स बाय 25%, तो हम मान लेते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है एक्स बाय वाई। तो अब न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 25%, तो अब न्यूमरेटर कितना हो चुका है 75% ऑफ एक्स, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 250%, तो हो कितना गया है 350% ऑफ वाई। ये ध्यान रखने वाले पॉइंट्स है, 250 से इंक्रीज हुआ है तो हो कितना गया है 350%, ये हमें गिवन है 6/5, तो परसेंटेजेस तो कैंसिल हो ही जाएंगी। यहाँ हम 25 से कट कर लेते हैं 3 टाइम्स, एंड 25 से 14 टाइम्स, 3 से ये गया 2 टाइम्स, तो एक्स बाय वाई हमारा कितना आ गया 28/5, तो 8/5। तो ध्यान रखना है, बस छोटा सा एक पॉइंट है जो ध्यान रखना है यहाँ पे, वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है, आई होप कर लिया होगा आप सबने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आप पॉज करिए और सॉल्व करिए। व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल, तो बेसिकली हमें बस एरिया ऑफ सर्कल ही बताना है। तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमें 7 गिवन है, तो 22 इंटू 7 कितना हो गया 154। बहुत इजी क्वेश्चन, 5-10 सेकंड में हो जाना चाहिए, जबकि बस ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, 10 सेकंड में आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आराम से पढ़िए हर एक लाइन को और सॉल्व करिए आप पॉज करके। चलिए, तो 3 पीपल कंटेस्टेड ऑल वोटर्स नो इनवैलिड वोट्स, तो मतलब 100 लोगों ने वोट किया और 100 ने ही कास्ट करे वोट और 100 वैलिड थे पूरे, तो लूजिंग कैंडिडेट के 30 आ गए, तो इन दोनों के मिला के कितने होंगे 70% तो हमें पूछा व्हाट कुड बी द मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन ऑफ वोट्स बाय विच द विनिंग कैंडिडेट लेड बाय द नियरेस्ट राइवल इफ ईच कैंडिडेट गॉट एन इंटीग्रल परसेंटेज ऑफ वोट्स, तो मतलब अगर हर एक को इंटीग्रल इंटीजर्स में मिले, मतलब इसको 30 से तो ज़्यादा ही होंगे, मतलब अगर इसको 38 मिले हैं तो इसको 36 35 ऐसे ही मिले होंगे, सब इंटीजर्स में ही रहेगा, तो मिनिमम मार्जिन कितना हो सकता है। तो हमें पता है हमें सम चाहिए 70, और इंटीजर्स में मिनिमम डिफरेंस कितना हो सकता है, मतलब एक्स और वाई मान लें, तो एक्स प्लस वाई हमें 70 करना है और x माइनस वाई को हमें मिनिमम बनाना है। तो मिनिमम कब हो सकता है, क्योंकि इंटीजर्स हैं, डिफरेंट इंटीजर्स होंगे, तो हमें पता है मिनिमम या तो 1 हो सकता है, तो अगर 1 होगा तो मतलब एक नंबर इवन एक ऑड, तो उनका सम तो इवन आएगा नहीं कभी, लेकिन फिर तो मिनिमम हमें 2 मानना पड़ेगा। तो मिनिमम अगर इनका डिफरेंस 2 हुआ तो दैट मीन्स इसको 34% एंड इसको 36%, तो यही होगा मिनिमम मार्जिन। तो मिनिमम मार्जिन कितना हो गया 2%। आई होप ये क्लियर होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी थी, बस हल्का सोचने का था इसमें, बस यही है कि इंटीजर्स हैं तो हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम,
लेकिन फिर वन में एक ऑड एक इवन आएगा, उनका सम कभी इवन हो नहीं सकता एक ऑड एक इवन का। तो हमने नेक्स्ट से चेक किया टू से, तो टू से ही इजीली आ गया है। आई होप क्लियर होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, आप पॉज करके सॉल्व करिए। तो प्रेजेंट एवरेज एज हमें गिवन है, तो 3 ईयर्स अगो एवरेज एज वॉज बी एंड सी वॉज 18। तो ए बी सी इनकी प्रेजेंट एवरेज एज कितनी है? 22। बी एंड सी इनकी 3 साल पहले अगर 18 थी एवरेज, तो आज एवरेज भी 3 से बढ़ गई होगी, तो इनकी एवरेज कितनी हो गई? 21। राइट, अब हम यहाँ तो डेविएशन से निकाल सकते हैं ए की एवरेज, ए की एज डिफरेंस कितना है 1 का, कितने लोग हैं लेकिन 3 लोग, तो इसकी होगी 24। आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं सम निकाल के, इनका सम हो जाएगा 66, इन ए बी और सी की प्रेजेंट एजेस का सम हो जाएगा 42। तो ए की एज यहाँ से आ जाएगी 24। तो ए की अगर 24 आ गई, हमें पूछा क्या है? एज 9 ईयर्स हैंस, तो 24 प्लस 9 इस 33। तो ये ध्यान रखना है पूछा क्या है, जल्दबाजी में हमें 24 मार्क नहीं करना है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आई होप हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, पॉज करके सॉल्व करिए आप। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्ट्रीम 8:1 एंड इट्स ट्रैवल डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की हम एब्सोल्यूट स्पीड निकाल सकते हैं यहाँ से, 67.5/2.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना हो गया हमारा 135.5 विच इज़ 27 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम हमें पता है स्पीड ऑफ बोट पर प्लस स्पीड ऑफ करंट होती है, मतलब 9 की वैल्यू 27 है, तो बोट की स्पीड क्या हो गई हमारी 24 एंड स्ट्रीम की स्पीड क्या हो गई हमारी 3। सब किलोमीटर पर आवर में है तो हमें कुछ यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं। तो देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे कि 9 यूनिट्स इज इक्वल टू 27, तो हमें डिफरेंस बताना है विच विल बी 7 यूनिट्स। 7 यूनिट्स कितना हो जाएगा 21। डायरेक्टली इससे भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी हम इनको माइनस करके 21 बता सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आई होप हो गया होगा सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, आप पॉज करिए और सॉल्व करिए। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 6 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो लेंथ हमें दी है ब्रेथ से 6 ज़्यादा, तो हमने ब्रेथ को अगर बी मान लिया, लेंथ विल बी बी प्लस 6 प्लस ब्रेथ, तो 2l प्लस बी क्या होता है पेरीमीटर, तो 2b प्लस 6 हमारा कितना आ गया 42, तो बी कितना आ गया 18, तो देन लेंथ विल बी 24। राइट, हमें एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, बस इनको मल्टीप्लाई करना है 24 इंटू 18। तो या तो अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो ठीक है, नहीं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं 21 का स्क्वायर माइनस 9, तो दैट विल बी 432। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आप पॉज करिए और सॉल्व करिए। तो ए एंड बी वर्किंग अलोन, ए को 20 डेज, बी को 15 डेज, याद रखना है डेज डेज स्टार्टेड द वर्क। तो हम यहाँ पे टोटल वर्क अज्यूम कर सकते हैं इनका एलसीएम, 20 और 15 का एलसीएम हमें पता है 60 होता है, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से, एफिशिएंसी विल बी 3 एंड 4। तो स्टार्टेड टुगेदर बट बी लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। तो मान लेते हैं बी ने, इन दोनों ने मिलके टी डेज तक काम किया, तो कितना काम हो गया होगा 7 इंटू टी। बचा हुआ काम ए ने अकेले किया होगा इन 6 डेज, तो 3 इंटू 6 दिस विल बी टोटल वर्क। तो 7t इज इक्वल टू 42, तो टी इज इक्वल टू 6। हमने यही लिया था कि हाउ मैनी डेज डिड बी वर्क, तो मतलब बी छोड़ के गया 6 दिन बाद, बी ने 6 दिन तक काम किया।
आई होप काफ़ी इजी क्वेश्चन था, क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, आप पॉज करके सॉल्व करिए। प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग टू आर्टिकल्स, तो अगर हम पी मान ले प्रॉफिट तो 2P हो जाएगा, टू आर्टिकल्स पे, एक पे अगर पी है। इस 80 लेस, किससे 80 लेस है? प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग 3 आर्टिकल्स, तो 3P माइनस 80। क्लियरली यहाँ से कितना आ गया, प्रॉफिट 80 है। तो इफ 20% प्रॉफिट इज अर्न, तो प्रॉफिट मतलब अगर 20% ऑफ CP है, तो मतलब 80 इज 20% ऑफ CP। हमें कॉस्ट प्राइस बतानी, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100%। अगर 20% 80 है तो 100% कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम इंटू 5 कर रहे हैं, यहाँ भी इंटू 5 हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई हमारी, इस 400। आई होप क्लियर होगा, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, पॉज करिए और सॉल्व करिए आप। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स BCD इज 1 मोर एन एवरेज ऑफ ABC। अब जिनका एवरेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि ऑफकोर्स D ज़्यादा होगा A से, लेकिन कितना ज़्यादा होगा, D माइनस A विल बी 3। आप अपना बेसिक से कर सकते हैं कि B+C+D/3 इज 1 मोर, तो 1+A+B+C/3। तो यहाँ से भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कि D इज इक्वल टू A+3 और D माइनस A इज 3। तो अब हमें बताना है एवरेज, हमें गिवन है एवरेज ऑफ A एंड D इज 19.5, और D+A हमें गिवन है 39। तो इससे हम डायरेक्टली A निकाल सकते हैं, दिस माइनस दिस बाय 2, तो 39 माइनस 3 बाय 2, दिस विल बी A। A कितना आ गया हमारा, 18। तो क्वांटिटी 1 हमारी हो गई 18 एंड क्वांटिटी 2 इज 21, सो क्लियरली 21 इज ग्रेटर देन 18। अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे D की वैल्यू तो 21 आएगी, तो ये ध्यान रखना, हमें पूछा क्या है क्वांटिटी 1 में A गिवन है या D गिवन है, क्योंकि आंसर फिर चेंज हो जाएगा उससे। आई होप क्लियर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 37, आप पॉज करके सॉल्व करिए। तो क्वांटिटी 1 पहले देखते हैं हम, रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम हमें गिवन है, टोटल टाइम टेकन बाय मैन टू कवर अप स्ट्रीम एंड कम बैक। तो अगर हम मान ले 2x और x, तो अप स्ट्रीम की कितनी हो जाएगी x, एंड डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी 1/3x। तो हमने माना स्पीड ऑफ बोट इज 2x एंड स्ट्रीम इज x, तो अप स्ट्रीम की x एंड डाउन स्ट्रीम की 3x, तो 72 किलोमीटर इज 32 आवर्स, तो 32 आवर्स ले रहा है, तो 8 से कैंसिल हो जाएगा 4, 8 से कैंसिल हो जाएगा 9, तो दिस विल बी 1/x इंटू 1+1/3 9 = 4/9, so we have 1/x × 4/3 = 4/9। यहाँ से हमारा x क्या आ गया, 9 और 3। वैसे यहाँ पे बेटर है अगर आप x की जगह y ले लें, बिकॉज क्वांटिटी 1 इज x, तो कंफ्यूजन ना हो आपको, तो आप वो ले सकते हैं। तो x इज़ द डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हमें यहाँ से पता है कितनी थी, 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, तो क्वांटिटी 9 हमारा कितना आ रहा है, 9, एंड क्वांटिटी 2 इज 9, तो दे बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना, आप x ना ले लें, बिकॉज कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं, तो ये ध्यान से करना है बस थोड़ा सा। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, आप पॉज करिए और सॉल्व करिए। तो डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, अब ये ध्यान रखना है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, 2 ईयर्स नहीं बोला है, इस 20% एट 20% इज 1200। तो हमें हमारे अगर चार्ट के हिसाब से, हम ट्री मेथड जो होता है उसके हिसाब से देखें, तो अगर हम 400 मान लें प्रिंसिपल, तो 20% के हिसाब से कितना हो जाएगा,
या फिर हम 25 मान लेते हैं सर प्रिंसिपल को। तो फर्स्ट ईयर में कितना लग जाएगा इंटरेस्ट? 20% ऑफ 25 विच इज़ 5, तो ये है फर्स्ट ईयर और ये है सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर पे इस पे तो लगेगा ही 20%, तो 5 इंटरेस्ट यहाँ से आया एंड इस पे भी लगेगा 20%। बॉन्ड इंटरेस्ट का मतलब ही यही होता है। तो दिस इज़ वन, तो हमें डिफरेंस कितना दिया हुआ है? फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो सी आई सेकेंड माइनस सी आई फर्स्ट, यही हुआ हमारा वन, ये वाला वैल्यू। और ये हमें गिवन है 1200, वन इज इक्वल टू 1200। हमें बताना है फाइंड द सम, सो 25 की वैल्यू हमें बतानी है। तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200 इंटू 25। तो विच इज 30,000। तो आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं 1200 इंटू 25 जल्दी से करने के लिए। तो इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, तो डायरेक्टली 30,000। तो बाकी आप कोई भी मेथड और भी यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर का निकालने के लिए। ये सबसे ईजी वाला लगा मुझे, सबसे क्विक। तो आई होप क्लियर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, आप पॉज करिए और सॉल्व करिए। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन ईच अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो मैं बोट और स्ट्रीम दोनों की दी है, तो डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी? 24 एंड अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी? 18। तो अब वो कह रहा है कि ईच, ईच का मतलब कि वो डाउनस्ट्रीम 7 घंटे गया एंड अपस्ट्रीम 7 घंटे गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया टोटल? तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अपस्ट्रीम में 7, डाउनस्ट्रीम में 7 एंड अपस्ट्रीम में 7, हम कॉमन ले सकते हैं 7। यूनिट सब किलोमीटर पर आर एंड आर्स ही है, तो 7 × 42। अब या तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं यूनिट डिजिट 4 आएगा, फिर करने की ज़रूरत नहीं, वैसे तो काफ़ी इजी वैल्यू है। 7 × 2 = 14, 7 × 4 = 28 एंड 294। नहीं तो आप यूनिट डिजिट से डायरेक्टली मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ईजी क्वेश्चन था, आई होप हो गया होगा। देन क्वेश्चन नंबर 40, आराम से पढ़िए, पॉज करके सॉल्व करिए एंड देन आंसर चेक करिएगा अपना। तो रेशियो ऑफ ए टू बी, इनकम का रेशियो हमें गिवन है, आंसर लिखना है इनकम 5:9। इफ एक्सपेंडिचर इज 3/8 ऑफ हिज इनकम एंड बी का इज 4/9, तो हमें यहाँ पे 9 मिल रहा है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 8 है, तो हम यहीं पे इनकी इनकम में ही यही फैक्टर्स डाल देते हैं। तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी को, रेशियो तब भी सेम ही रहेगा। तो 40:72, तो ये अगर आपकी प्रैक्टिस काफ़ी होगी आपको ये करना आ जाएगा कि क्या लेना चाहिए। अब इसका हम कुछ भी 8th पोर्शन लें तो इजीली हो जाएगा, इसका तो 9th ले ही सकते हैं, तो पहले भी 9 ही था। तो एक्सपेंडिचर अब हम निकाल सकते हैं यूनिट्स में ही, इन्हीं यूनिट्स में। तो एक्सपेंडिचर इनके कितने हो जाएंगे? 3/8, तो 15 एंड 4/9, 32। तो इसका 4/9 इज एक्सपेंडिचर, इसका 3/8 इज एक्सपेंडिचर ऑफ ए। तो आई होप ये क्लियर होगा। ऑफिस इनकम एंड सम ऑफ देयर सेविंग्स हमें दिया है, तो अब हम सेविंग्स निकाल सकते हैं यहाँ से। सेविंग्स कितनी होंगी? 25 एंड 40, ये हमें गिवन है। तो 65 यूनिट्स टोटल सेविंग्स हैं इनकी, दिस इज गिवन है ₹1950। तो एक यूनिट कितना हो गया हमारा? 30। अब हमें पूछा है डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम्स, तो अब यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि ये वाली रेशियोज नहीं लेंगे हम, ये वाली रेशियोज लेंगे, ये हमने इन पे ही काम किया। तो इनमें डिफरेंस कितना है? 32 यूनिट्स का, 32 यूनिट्स इंटू 30, एक यूनिट 30 का है, तो डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम कितना आ गया? ₹960। तो आई होप ये मेथड क्लियर होगा सबको कि यहाँ पे
8 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, आप पॉज करके सॉल्व करिए। तो ए अलोन कैन डू इन 12 डेज, तो यहाँ हम डेज लिख लेते हैं ए के, व्हाइल ए एंड बी टुगेदर ए प्लस बी इज 7.5। तो एलसीएम इनका कैसे ले सकते हैं, हमें पता है 7.5 इंटू 2 इज 15, तो एक होल नंबर बन गया 15, और 12 और 15 का एलसीएम तो हम ले ही सकते हैं आराम से 60, तो दिस विल बी 5, एफिशिएंसी विल बी 5, एंड इसकी 15 से हाफ और हो रहा है तो 8 हो जाएगा, राइट तो अब हमारे पास ये एफिशिएंसीज आ गई, तो वी हैव टू, सो यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी, बी आ गई, मतलब बी नंबर ऑफ डेज 20 लेगा। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू डू इफ सी टेक्स 3 डेज मोर देन बी, तो बी 20 दिन लेता है अलोन काम करने के लिए, तो सी उससे 3 दिन ज़्यादा लेता है, सी कितने दिन लेगा 23 डेज। तो इजी क्वेश्चन था, आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, आराम से आप पॉज करके सॉल्व करिए एंड देन आंसर चेक करिएगा। तो ए बी सी की कैपिटल का रेशियो हमें गिवन है, ए बी सी की कैपिटल, तो 7, 8 इन अ बिजनेस दे गॉट एनुअल प्रॉफिट ऑफ दिस इफ ए एंड सी विथड्रू देयर अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 and 7 रिस्पेक्टिवली, ए ने 3 महीने तक लगाया, बी ने 7 तक और सी ने 7 तक एंड बी ने 12 तक, तो एनुअल प्रॉफिट दिया है, तो हमें कुछ बताया नहीं कि बी ने विड्रॉ किया है, तो मतलब कि बी ने 12 मंथ्स तक लगाया है पूरा, तो इनका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा क्योंकि ये टाइम थे इनके, तो दिस विल बी 21, 96 and 35। तो ये सब काम यूनिट्स में चल रहा है हमारा। अब हमें गिवन है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सीज शेयर, हमें एनुअल टोटल का दिया है, मतलब कि हम इनको ऐड कर लेते हैं, 91 प्लस 96 प्लस 35 दिस विल बी 152 units हमें दिए हैं, प्लीज 136800। हमें बताना क्या है ए एंड सी का डिफरेंस, इट इज 14 units की वैल्यू हमें बतानी है सिर्फ, तो हम यूनिटरी लगा लेते हैं सीधा 136800 ऑन 152 into 40। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें पता है 152 किसके उसमें आएगा, 19 के में, ये 19 एट रहा हमें पता है, तो यहाँ पे टेबल्स का काफ़ी काम हुआ, तो 19 से हमने काट दिया 8 टाइम्स, राइट 19 से यहाँ भी काट लेंगे हम 1368 को, तो 19 इंटू 7 हो जाएगा पहले एंड देन 2 7200 जीरो ध्यान रखने हैं, फिर अगेन 8 से जाएगा ये 900, तो बेसिकली हमारा क्या आ गया 14 यूनिट्स की वैल्यू 900 into 14, तो 14 into 9 हमें पता है कितना होता है 126 और दो जीरोस, तो बस अगर 19 का टेबल पता है आपको, तो आपको पता है वो 152 को डिवाइड करता है 19, तो ऊपर वाला भी करेगा ही, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 आप पॉज करके सॉल्व करिए। तो यहाँ पे सेम यहाँ पे नहीं दिया हुआ रेफरेंस, 4 years ago तो दोनों का दिया है, बट दीपक का आफ्टर 5 years दिया है और शिवम का 4 years ago ही दिया है सिर्फ, पहले हम 4 years ago देख लेते हैं, 4 years ago कितना है शिवम दीपक, 4 years ago 2:3 था, तो मतलब अगर ये 2x है तो ये 3x ही होगा, इक्वेशन से भी कर सकते हैं डायरेक्टली रेशियो से भी कर सकते हैं जिनका अच्छा है, तो शिवम 4 years ago और अगो रेशियो दीपक 5 hence ये हमें दिया है 8:15,
शिवम का 4 ईयर्स अगो तो हमने 2x ही माना था, दीपक का 5 ईयर्स हैंस हम निकाल सकते हैं, मतलब इसको अगर हम डी मान लें, हमारा क्या गया 2x/d इज इक्वल टू 8/15। तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, फिफ्टीन बाई 4x। राइट, तो 15/4x ही आ गया। तो अब हमें ये पता है ये डिफरेंस कितना है, दीपक की एज का देख रहे हैं हम सिर्फ, ये था 4 ईयर्स अगो, ये 5 ईयर्स है, तो गैप कितने का हुआ, 9 ईयर्स का। एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें और एक्स की टर्म्स में देखें तो कितना हो गया, 15/4 -3 ना एक्स इक्वल टू 9, तो 3/4 इज़ 9, सो एक्स कितना आ गया 12। हमें बताना क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ शिवम, तो 4 ईयर्स अगो की 2x थी तो मतलब 24, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 24 + 4 इज़ 28। तो आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, कि 4 ईयर्स अगो अगर 2:3 था एंड यही 2 रेशियो दीपक की 5 ईयर्स बाद की इज 8:15। तो इसको भी हम, ये तो सेम ही चीज़ है क्योंकि दीपक की 4 ईयर्स अगो किया, तो हम इसको इक्वल बना लेते हैं 8:12। तो डायरेक्टली यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि 3 यूनिट्स इज़ 9, तो 1 यूनिट इज़ 3, तो दीपक की 4 साल पहले की एज आ गई 24, शिवम की, तो शिवम की प्रेजेंट एज 24 + 4 इज़ 28। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, पॉज करके सॉल्व करिए आप। अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ दिस एट द स्पीड ऑफ दिस, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 240 किलोमीटर। देन बाय वॉट परसेंट शुड द स्पीड ऑफ द कार बी इंक्रीज टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 2.5। अब या तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं कि यहाँ से आप पहले निकाल लीजिए स्पीड, टाइम हमें गिवन है, तो यहाँ से न्यू स्पीड आ जाएगी, या तो एक ये मेथड है, तो टाइम यहाँ पे आ जाएगा बाय 2.5, दैट इज 5/2, तो 24 × 4 इज़ 96, तो 96 स्पीड, सॉरी 96 किलोमीटर पर आवर। तो कितना इंक्रीज़ करना चाहिए उसको, 36, पहले कितनी थी 60 से 200, ये हो गया परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड, तो दिस इज 60%। या तो आप इससे कर सकते हैं एक, या फिर आप रेशियो से कर सकते हैं कि डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्स होगा, तो टाइम का हमें गिवन है 4 और 2.5, इनका रेशियो क्या हो गया 8:5, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा इसका इन्वर्स 5:8, तो 5 की वैल्यू हमें पता है 60 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96, वो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हमें सिर्फ इंक्रीज बताना है, तो इंक्रीज कितने का है 3/5, और क्योंकि परसेंटेज में बताना है तो इतना हो जाएगा, तो डायरेक्टली 60, हमें वैल्यूज निकालने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपको स्ट्राइक करे एग्ज़ाम में, सबसे पहले आप उससे ही करिए, बिकॉज दोनों से ही ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, थोड़ा डिफरेंस रह सकता है दोनों मेथड्स के टाइम में बस। तो आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 आप पॉज करके सॉल्व करिए। तो ट्रेंज की लेंथ दी है तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, चाहे ऑपोजिट जाए चाहे सेम डायरेक्शन में जाएं, 260 मीटर ही होगी डिस्टेंस, तो दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन एंड स्पीड हमें गिवन है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी जब सेम में जा रहे हैं, तो डिफरेंस होगा, तो 52 किलोमीटर पर आवर, ये ध्यान रखना है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन हमारे सेकंड में हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं 5/9।
130/9 is meter per second. So we have to tell the time taken. So time kitna ho jayega directly? Distance upon speed. So 260 upon 130 to 9. Ye ho gaya hamara time in seconds. ये डायरेक्टली हमें दिख रहा है कैंसिल हो रहा है 2 2 9 18 seconds. तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आई होप क्लियर होगा, बस यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, आप पॉज करके सॉल्व करिए. तो मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर 5:3. तो या तो आप इसको बेसिक से कर सकते हैं कि 5x 3x लेके फिर -5 -3 क्योंकि 8 लीटर हट रहा है, या तो वैसे कर सकते हैं या डायरेक्टली रेशियो से कर सकते हैं हम, कि यहाँ पे हम ले लें 5:3 है, बाद में इसमें 8 लीटर ऐड कर दें. तो यहाँ पे 8 लीटर मिल्क ऐड हो रहा है, तो वाटर सेम रहेगा, मतलब हमें बाद में कितनी गिवन है 11:5, तो वाटर सेम करना है हमें, तो सेम कर लेते हैं यहाँ पे इंटू 5 इंटू 3 और 25:15 3:15. तो ये सब काम हमारा यूनिट्स में चल रहा है. अब हमें गिवन है 8 लीटर मिल्क ऐड हुआ, तो हमारे यहाँ पे कितना यूनिट ऐड हुआ है, 8 यूनिट्स ही, तो मतलब 8 यूनिट्स इज इक्वल टू 8 लीटर, तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 लीटर. तो यही हमारी वैल्यूज हैं इन लीटर्स. So we have to find difference between initial quantity of milk and water. मतलब 25 और 15 में डिफरेंस बताना है डायरेक्टली 10 लीटर्स. काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आई होप क्लियर होगा. चलिए लास्ट क्वेश्चन, फिर हम जो पिछली क्लास के होमवर्क क्वेश्चन थे उनको एक बार देख लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 47 आप पॉज करके सॉल्व करिए. तो ए एंड बी टोटल कैपिटल हमें गिवन है, तो एक बार स्किम थ्रू कर लेना चाहिए पूरे क्वेश्चन को कि पूछा क्या है. तो बी की कैपिटल पूछी है, हम इसको बी मान लेते हैं. तो ये कितनी हो जाएगी 17,000 - बी, ये इनकी कैपिटल्स हैं. तो बी विड्रॉज 1500 आफ्टर 6 मंथ्स, ये 6 मंथ्स के लिए लगाया इसने, देन प्लस इसने बी माइनस 1500 लगाया. तो एट द एंड ऑफ ईयर, तो ये 6 महीने तक और लगा और ये पूरा 12 महीने तक लगा, राइट. तो हम इनको यहीं पे कट कर लेंगे, 2 हम 6 12 लिखेंगे ही नहीं, 1 1. तो इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, 34,000 - 2b रेशियो बी प्लस बी माइनस 1500, तो 2b - 1500. तो ये हमें गिवन है कि 8100 है, और हम यहाँ से बी का निकाल सकते हैं इसको माइनस करके टोटल से. तो दिस विल बी 11,400. तो हमें ये गिवन कितना है, 81:114. तो 3 से और कैंसिल हो जाएगा, ये 27, 27:38. तो बस इसको सॉल्व करना है, एंड ये याद रखना है हमें निकालना क्या है, कैपिटल ऑफ बी आफ्टर 6 मंथ, दैट इज़ बी माइनस 1500. तो यहाँ से हमें बी निकाल के बी माइनस 1500 निकालना है. तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं अपने आप. आई थिंक आंसर विल बी 7500. आप लोग चेक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. चलिए फिर हम एक बार होमवर्क क्वेश्चंस देख लेते हैं पिछली क्लास के. तो क्वेश्चन नंबर 12 to 16 होमवर्क थे, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं आप, फिर मैच कर लीजिएगा अपने आंसर्स. तो 12th आप कर लीजिए, तो इन प्लेस ऑफ 18% प्रॉफिट ही गेट्स 42%. तो यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे हम, कितना हो जाएगा 24% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये हमें गिवन है 110.4. डिफरेंस तो यही होगा ना इनमें. वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ इट वर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, मतलब 125% ऑफ सीपी की वैल्यू बतानी हमें. तो डायरेक्टली हम बता देते हैं 1104 by 24 into 10 into 125. तो 5 से गया 2, 5 से गया 25.
टू से हम इसको काट लेते हैं, 5 से 10, 5 5 2, और 12 से कर लेते हैं, 12 2 12 4 48 या 72, तो ये बेसिकली आ गया 23 × 25 विच इज नथिंग बट 24² - 1, तो 576 - 1 दैट इज 575। आई होप यही आंसर आया था। कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने किया भी था कमेंट इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जिन्होंने नहीं करा वो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, बाकी लोग चेक कर सकते हैं। तो बेस रेशियो परपेंडिकुलर, थ्री रेशियो फोर है, हम यूनिट्स में ही रखेंगे। यहाँ पे हमें पता है पाइथागोरस से ये 5 आएगा हाइपोटेन्यूस। इट्स बेस, बेस इज 3 इज इक्वल टू द साइड ऑफ अ स्क्वायर हैविंग एरिया 81। तो अगर एरिया 81 है तो साइड कितनी हो जाएगी स्क्वायर की, 9, मतलब 3 यूनिट्स इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यही था ना कि बेस जो है ट्राइंगल का, दिस इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 9। हमें पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर कितना हो जाए इनको ऐड करके, 5 + 3 + 4, तो 12 यूनिट्स हमें बताना है, मतलब 9 × 4 सेंटीमीटर, तो 36 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं यूनिटरी मेथड काफ़ी हमारा टाइम सेव कर रहा है, तो यूनिटरी पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो रिटेलर सोल्ड वन आर्टिकल एट 33 एंड अनदर एट 100 एंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज इफ सेलिंग प्राइस इज, तो सीपी रेशियो एसपी देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा, 3:4। अब यहाँ पे सेम रखना है सेलिंग प्राइस, तो 4 ही रख लेते हैं। 100% प्रॉफिट है तो मतलब सी पी इसका हाफ होगा, सी पी का डबल हो रहा है ना सेलिंग प्राइस, तो ये हमारे पास आ गए। हम इन्हीं से डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि हमें परसेंटेजेस ही बतानी है। ओवरऑल प्रॉफिट, तो टोटल सी पी कितना आ गया, 5, टोटल एस पी 8, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 3/5, 60%। आई होप ईजी था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमें गिवन है, एंड वाटर 4:1, तो 50% इज टेकन आउट, हम मान लेते हैं 50% टेकन आउट ही है। आप ये मान सकते हैं पहले कितना था, 8:2, अब 4:1 हो गया है, ये भी मान सकते हैं। एंड रिप्लेस्ड बाय 24 लीटर्स ऑफ वाटर, तो इसमें सिर्फ वाटर ऐड हो रहा है तो मिल्क सेम रहेगा, तो 1:1 मतलब 4:4, तो डायरेक्टली 3 यूनिट्स इक्वल टू 24 लीटर्स। फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 10, तो 1 यूनिट अगर 8 लीटर आ गया, इनिशियल क्वांटिटी 10 थी तो 10 यूनिट्स इज 80 लीटर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये, बेसिक से भी कर सकते हैं आप लोग ऑफकोर्स, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है बस। नेक्स्ट, तो लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 16, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई, हमें डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, तो डाउनस्ट्रीम में कितनी हो गई, 28/42 × 60, बिकॉज 42 मिनट्स है, ये ध्यान रखना है। अभी आ गया किलोमीटर पर आवर में, तो ये कितना हो गया, 2/3 × 60 विच इज 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई। तो स्पीड ऑफ बोट इन सिल वाटर टू स्ट्रीम इज 7:3, तो मतलब कि बोट या स्ट्रीम, तो 10 की वैल्यू अगर 40 की है तो 1 की वैल्यू 4, तो बोट की स्पीड कितनी हो गई, 28, स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई, 12, राइट। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 60 डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, 40, एंड 40 अपस्ट्रीम, तो 40 किलोमीटर है अपस्ट्रीम में, इनका डिफरेंस बताना, सॉरी। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, बोट माइनस स्ट्रीम विच इज 16,
दिस इज 3/2 प्लस 5/2 दैट इज 1, तो माइनस 1 हो गया। वो तो हमें बस एब्सोल्यूट डिफरेंस बताना है, प्लस 1 माइनस 1 से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो द आंसर इज 1 आवर, टाइम का डिफरेंस हो गया 1 आवर। तो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग, आई होप आपको सब सॉल्यूशंस क्लियर होंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपको टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप फिर से सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्यूशन ज़रूर देखिएगा, कुछ नया मिल जानने को मिल जाते हैं कोई कोई मेथड। तो बाकी आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको क्लासेस कैसी लगी, सॉल्यूशंस कैसे लगे, मेथड्स कैसे लगे, और आगे आप लोग क्या क्या चाहेंगे आप वो लोग आप वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग एंड आई होप आप सब रेडी हैं इस पे क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, बस आने ही वाला है, दिन बचे ही नहीं है ज़्यादा अब तो। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्निंग एजेंसी। थैंक यू एवरीवन।